वही नानक मत्ता कार सेवा डेरे के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या से उत्तराखंड का राजनीतिक मौसम तेजी से गर्म होने लगा है। बाबा तरसेम सिंह की हत्या के बाद से अखबार में छपी एक खबर की कटिंग, जिसमें बाबा तरसेम ने अपनी हत्या के डर से सुरक्षा की मांग पूरी न किए जाने पर नाराजगी जाहिर करी थी, स्थानीय ग्रुपों में वायरल हो रही है, जिसको लेकर खटीमा से कांग्रेस के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भावन कापड़ी ने भी जिले की कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो वही नानकमत्ता पहुंचे डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से बयान पर आधार पर हमने पुलिस टीमें रवाना कर दी हैं, जल्द ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नानकमत्ता से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। रात का पर्याय बनता जा रहा है, बहुत सारी घटनाएं। अगर हम शुरू से बात करें तो सबसे पहले काशीपुर में एक स्टोन केसर व्यापारी के घर के बाहर उसे गोली मार दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। फिर हम बात करें जसपुर में, तो एक कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी को घर के अंदर घुसकर गोली मार दी जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती, पुलिस की जो नाकामी उस पर कार्रवाई नहीं होती। फिर उसके बाद खटीमा ड्यूरी में शाम को सरेआम एक व्यापारी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। फिर उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं आज सुबह एक दुर्घटना घटना घटी और पुलिस लगातार इसमें शुरू से ही अपने काम में जुटी है। प्रथम तरीके इसमें दो शूटर जो है वो प्रकाश में आए और ये भी ज्ञात हुआ है कि कुछ समय से वो गेस्ट हाउस में गेस्ट हाउस में जुटे हुए थे। महत्वपूर्ण सुराग हमको मिलेगी जिनके कनेक्शन कुछ अन्य प्रदेशों से भी प्रतीत होते हैं, जहाँ के लिए हमने अपनी टीमें रवाना कर दी है। हमारी फॉरेंसिक टीम जो घटनास्थल है उसका पूरा जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो कलेक्ट कर रही है वहाँ पर, और इसके अलावा जहाँ पर ये रुके हुए थे वहाँ से भी हमको कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे जो कि इस केस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। बाकी हम लोग इसके प्रति पूरे संवेदनशील हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं खुद यहाँ पर आया हुआ हूँ, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी लगातार इस पर नज़र रखते हैं क्या कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जल्दी इसको हत्या रहे।